आज सुबह से सोशल मीडिया में हर तरफ सोनमर्ग गांदरबल के सरबल इलाके से एवलांच की खबरें सामने आईं, जिसके बाद तुरंत ही लोकल पुलिस, आर्मी, एसडीआरएफ, बीकन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान अफसोसन मेगा टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे दो मजदूरों की फंसी हुई डेड बॉडीज रिकवर की गई। फर्दर किसी कैजुअलिटी की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इस पर अधिकारियों का फर्दर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दो बजे तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी कि सब कुछ ठीक है, मगर दो बजे के बाद इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई है कि एक डेड बॉडी जिसका नाम है संदीप फ्रॉम कश्तवाड़, संदीप कुमार, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो और एक भी एक मिसिंग है जो बाल कृष्ण है फ्रॉम कश्तवाड़। तो ऑपरेशन ऑन है, लगे हुए हैं सब आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ और एसडीएमओ, तहसीलदार भी वहाँ खुद भी है, वहाँ मौजूद है, मेडिकल टीम्स है, एम्बुलेंसेज है, सब कुछ ऑपरेशन चल रहा है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये वेंचर कर रहे थे सड़क पर, उस वजह से उनका लॉस हुआ है। बाकी जो उनका नाइट स्टे का है, जो वर्कर्स हैं वहाँ हैं, तो वो एक किलोमीटर दूर है इस अवला से, वो सारी के सारी सेफ है। तो यही पता नहीं कि ये दो कैसे वहाँ गए हैं। तो एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है, दूसरी की तलाशी हो रही है। इंजीनियर के साथ हमारी बात हुई आज, दो तीन बार हो गई उनके साथ बात। उन्होंने कहा कि हमने सुबह से ही 7 बजे से वार्निंग इशू की थी, अलर्टनेस इशू किया था रिगार्डिंग द एवलांचेस, तो लेकिन इन लेबर्स ने सीरियस नहीं लिया है। तो इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि फैक्ट्स क्या है। शुक्रिया सर।